जैसा कि आप जानते ही हैं, फिल्म दुनिया में कहा जाए तो वाकई में सितारे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे समय में भी एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे फिल्मों की दुनिया में सितारे एक दूसरे का मुश्किल समय में सपोर्ट तो करते हैं, काफ़ी तकलीफ में भी रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि सायरा बानो की क्या हालत है? पति दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सायरा बानो पर दोबारा से दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि दिन रात पति की सेवा में गुजार रही दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो के लिए इस वक्त अपने पति की सेहत को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर देखा जाए तो ये है कि उम्र है 98 और ऐसे में उनको पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा समझ नहीं आ रहा। तो आपको बता दें कि फैजल फारूकी ने तो पहले ही बताया था दिलीप साहब की सेहत को लेकर कि 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से लौटे थे दिलीप साहब, दोबारा इसलिए लाया गया क्योंकि उनकी सेहत में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ और दोबारा सांस ही उन्हें लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है। यह आपको मालूम होना हो, दिलीप साहब का बीते साल इम्यूनिटी लो हुआ, निमोनिया के वो पेशेंट थे जिसके कारण इम्यूनिटी लो हुआ और इसके बाद उन्हें कंप्लीट आइसोलेशन पर रखा गया। अपने कमरे से हॉल के अलावा दिलीप साहब और किसी भी जगह पर ट्रैवल नहीं करते थे। सायरा बानो ने इस बात की खुद जानकारी दी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उनके निधन की अफवाहें उड़ी थी जिस पर सायरा ने रिएक्ट किया था। लोगों से कहा था कि वो दुआएं करें कि दिलीप साहब फिर से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि दिलीप साहब उनके लिए सब कुछ है, उनकी पूरी दुनिया है। दिलीप साहब को ऐसे वो इस तरह से उनका साथ नहीं छोड़ने दे सकती। 1 महीने में दूसरी बार हॉस्पिटलाइज हुए दिलीप साहब, पिछले महीने 6 जून को आए थे हॉस्पिटल और देखिए 1 जुलाई है और फिर से हॉस्पिटल में ही ICU में दिलीप साहब को रखा गया है। अब भी वो खुद से सांसें नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन उन्हें वेंटिलेटर पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।